और एकदम जस्ट आंख खुली में टाइम लगा और धीरे धीरे टाइम हो गया। कोई नहीं कोई नहीं। सो गाइस ये है हमारा सेटअप आज का, ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं है बट जो भी है यही है। सो गाइस आज का हम शूट अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, हम लोगों ने एक दो कॉन्सेप्ट सोचे हैं उसके लिए थोड़ा हम एस्थेटिक आजकल बहुत चल रहा है वैसा कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये आज कानेट्स का शूट नहीं है और कह भी सकते हैं बिकॉज मेरे जितने भी इंडियन आउटफिट्स होंगे वो होंगे कानेट्स के ही। सो बट बेसिकली ब्रांड शूट नहीं है ये, मेरे पेज के लिए जो इन्फ्लुएंसर वाला पेज है। सो अभी देखते हैं हम कैसे करते हैं ये वाला। ठीक है हम एड के देती हूँ मैं पोजेस। सो अभी हम लोग सेकेंड शूट के लिए सॉन्ग डिसाइड कर रहे हैं। हम लोगों का एक एस्थेटिक जो वीडियो हम लोगों ने सोचा था, जैसा सोचा था हमें हमारे पास वैसे वीडियोज एंड फोटोज आ गई, पिक्चर्स आ गई। सो अभी हम नेक्स्ट में क्या करते हैं वो लेट्स सी। और वी डोंट हैव रिंग लाइट टुडे, जैसे मैंने आपको बताया था रिंग लाइट का कुछ इशू हुआ एंड दूसरा कोई बंदा भी नहीं है जो पकड़ के हमारी ब्लॉगिंग कर सके, तो हम बस काम चला रहे हैं। सो यस भाई बुक्स पढ़ लो, हर किसी को बोलती हूँ मैं अपने ब्लॉग में भी बोलती हूँ कि है ना बुक्स पढ़ो ये बहुत अच्छे बुक्स हैं। आप लोग अगर बुक स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझसे पूछो अच्छी अच्छी बुक्स कौन सी है, मैं आपको दो तीन पढ़ने को मैं ही दे दूंगी, मुझसे ले लो लेकिन बुक्स पढ़ लो। सो गाइज मेरे दो शूट हो चुके हैं और अभी मैंने चेंज कर लिया है और कुछ कुछ बिहाइंड द सीन्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगी बिकॉज हेल्पिंग हैंड नहीं होता। और रिंग लाइट का भी इशू हो गया तो मैंने न्यू अरेंज करने के लिए किया है, वो कुछ दिन में हमारे पास आ जाएगी एंड कुछ और लाइट्स भी सो दैट लाइट्स का फोकस वगैरह वो सब काम ना पड़े। और दो रील्स अभी शूट हो चुकी हैं, ये ब्रांड शूट नहीं है लेकिन जितने भी ट्रेडिशनल्स या इंडो वेस्टर्न जो भी मैं पहन रही हूँ वो सारे कानेट्स के ही हैं। और अभी मैं एक वेस्टर्न शूट कराने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मुझे एडिटिंग के लिए बैठना है। उसका रीज़न ये है कि कई बार जो मुझे चाहिए होता है वो उनको समझ में नहीं आता, मतलब ओवरकॉल, और कई बार जो उन्हें समझ में आता है मुझे नहीं समझ में आता बिकॉज कंटेंट उनके पास रहता है। सो अभी हम लोगों ने काफ़ी दिन से यही डिसाइड किया हुआ है, मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे सामने ही एडिटिंग वर्क होगा। कैसे क्या कौन से शॉट्स लेने एंड ऑल अकॉर्डिंग टू मी एंड देन सो दैट यू नो मुझे कोई कन्फ्यूजन ना रहे और टाइम भी सेव हो जाए। दो अभी के टाइम एडिटिंग करना भी एक टाइम वेस्ट हो जाता है बिकॉज जितना शूट करवा पाए उतना कम, लेकिन वो भी एक काम ही है। सो वो फिर कॉल पे वेस्ट हो जाता है तो बात तो सेम ही होती है, इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया। ये मेरे ज्वेलरी पीसेस वगैरह रखे हैं और थोड़ा सा शूट के टाइम में, और अभी दो तीन दिन चार दिन से तो थोड़ा सा मेस्डअप ही चल रहा है बिकॉज सारे बैक टू बैक शूट्स होते हैं। सो बहुत लोगों को लगता होगा प्रोफेशनल इतने शूट्स नहीं है, फिर भी मैं बार बार शूट्स क्यों बोलती हूँ। रीजन चाहे प्रोफेशनल, हम पूरी कोशिश करते हैं और हमारे अकॉर्डिंग ये प्रोफेशनल शूट्स ही हैं। हाँ हम लोग अभी आउटडोर शूट नहीं कर रहे हैं और ब्रांड को लेके अगर देखा जाए तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है। सो वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेस अवेलेबल है, हम उसी से सारी चीज़ों का यूज़ लें। सो यस आइए एडिटिंग देखते हैं, एडिटिंग करते हैं एंड फिर देखते हैं कि वेस्टर्न का हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट रखा है। अभी मैंने ये टॉप पहना हुआ है इसके साथ अलवेरा स्कर्ट। सो यस अभी मैंने अपने बाल टाई कर लिए और शायद मैं चाय बनाऊंगी राहुल के लिए, और जितने अभी राहुल इज वेटिंग सो बाहर चलते हैं। एक बार सोच रहा हूँ, मैंने इस फिल्टर में कभी बनाई नहीं है तो मुझे डाउट लग रहा है। तो दीदी से पूछ ले वंशी, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे साथ में। और एक दूसरी वाली जो वीडियो है उसको ओरिजिनल वाले उसमें बताइए। वो इनमें चल रही है। मैं ट्राई तो करूँ मेरे कहने। हाँ ठीक है करते हैं ट्राई। अच्छा लगेगा मैं बता रहा हूँ। देख
लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है, हैंडल नहीं पकड़ा, मैंने उसको छुआ है, पकड़ा नहीं है। ये तो कैप्चर भी हुआ गाइस, वंशी को सॉरी गाइस। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और मैं अब अपने शूट के लिए जा रही हूँ। मेरे जो मुझे एडिटिंग करवानी थी वो थोड़ी थोड़ी एडिटिंग हो चुकी है, बाकी मैं थोड़ी देर में करवाती हूँ, जितने मैं फटाफट से इसके शॉट देके और ये एक रील और रेडी कर लेती हूँ, सो दैट मेरे पास और एक रील बैकअप में हो जाएगी। सो गाइज अभी आई थिंक 3:30-3:45 हो रहे होंगे, मेरी तीन रील्स, मैं थ्री बोलने वाली थी, फिर मैं तीन बोल रही थी, फिर मैं तीन बोलने वाली थी, मैं थ्री बोल रही थी। मेरी थ्री रील्स रेडी हो चुकी हैं और वंशी को भी शूट कराना था, लेकिन वंशी को नेचुरल लाइट में नीचे शूट कराना था, तो वंशी नीचे गई है। और वंशी को जैसे अब हम रहते तो एक ही घर में, ऑब्वियसली हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो सेम होता है, और वंशी को सेम बैकग्राउंड में अपने पिक्चर्स वीडियोस नहीं चाहिए, और मैं सारे बैकग्राउंड्स पे कब्जा मैंने ऑलरेडी कर लिया है, वो आप लोगों को पता ही है। सो वंशी को अलग वो चाहिए था, तो वंशी उसके अकॉर्डिंग शूट करने गई है। अब आई एम जस्ट थिंकिंग, मेरी दो रील्स नहीं, दो नहीं, आई थिंक एक रील मेरी एडिट भी हो चुकी है, दो रील्स और एडिट करनी है। एक बार उनका शूट हो जाए उसके बाद हम बैठ के एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद मुझे दो और शूट कराने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। डैडी मुझे देखते हुए जा रहे हैं कि ये लड़की अकेले अकेले क्या कर रही है, लेकिन उनको वैसे पता है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बट फिर भी ये मास्किंग लेटा हुआ है। सो गाइस क्या बोल रही थी मैं, थक गई मैं ये कह रही थी कि मैं अब दोबारा रेडी हो रही हूँ, मुझे एक रील और शूट करनी है, सो दैट मेरे पास आज 4-5 रील्स हो जाएंगे, बिकॉज जब ब्रांड शूट होता है तो मेरे को खुद के पेज के लिए रील शूट करने का टाइम नहीं मिलता। सो आज जब ब्रांड का नहीं है तो मैं 4-5 रील शूट कर रही हूँ, सो दैट मेरे पास बैकअप में पेज पे डालने के लिए रहे। सो मैं अभी देख रही हूँ, मैंने अभी सॉन्ग्स चूज़ किए हैं, वंशी का शूट हो चुका है और उन सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम लोग शूट करते हैं। सो यस मिलते हैं थोड़ी देर में। सो ये है मेरा लुक, अभी आपको और अच्छे से पता लगेगा, सब कुछ वैसे ही हो रखा है, बिकॉज क्या है शूट में आप फटाफट से चेंज करते हो ना, उस टाइम संभालने का मौका नहीं मिलता, और फिर अभी रोज होते हैं ना, तो कई बार मैं ऐसे भी हो जाती हूँ कि कल करूँगी, तो वो दो तीन दिन भी हो जाते हैं। मुझे सिर्फ कुक करना है अच्छे से, बाकी मैंने हल्का सा लिप शेड चेंज किया है और न्यूड थोड़ा सा लगाया है, सो दैट मेरा लिप शेड थोड़ा चेंज देखे, मतलब थोड़ा और अच्छा देखे। बहुत लोग कहते हैं कि चेंज योर लिपस्टिक और लिप शेड गेम कुछ करके, मुझे किसी ने स्टेटमेंट कही थी, बट मैंने उनको भी यही कहा था, एक तो मेरे ऊपर बिकॉज मैं और मेकअप वगैरह या आईज पे कुछ नहीं करती, तो एक मुझे डार्क जो लिपस्टिक्स हैं वो बहुत पसंद हैं, डार्क लिप शेड मुझे ट्राई करने बहुत अच्छे लगते हैं। न्यूड पे मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, स्टिल आई एम ट्राइंग, मैं मिक्स मैच करके, मतलब है ना जो लिप शेड्स हैं मैं उनको मिक्स करके बहुत सारे लिप शेड्स क्रिएट करती हूँ। सो बहुत लोगों को जो ये चीज़ लगती है उसका रीज़न ये है, और मैं बस एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, बट मुझे डार्क लिप शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो ही ट्राई करती हूँ। सो चलें बाहर बिकॉज दे आर वेटिंग, आई मीन उनकी एडिटिंग चल रही है अपनी, सो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा कुम करती हूँ एंड देन ऑल सेट, तो चलते हैं बाहर और करते हैं अभी शूट फिनिश। मैंने ये लॉक कर दिया था। सो गाइस शूट से मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने जो एक शूट और करवाना था वो कर लिया, मैंने चेंज करवा लिया, अभी मैं फ्रेशन अप नहीं हुई, मुझे बहुत भूख लग रही है, सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है। हर वक्त ना जब आप डाइट पे रहते हो ना, हर वक्त आपको चटर पटर खाने का मन करता है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कंट्रोल, और मुझे तो आदत है, बट फिर भी ना मुझे कई बार इतनी भयंकर क्रेविंग्स होती हैं और मुझे लगता है कि बस कुछ खाना है खाना है खाना है,
लेकिन ऑल्टरनेटिव्स हमेशा हेल्दी ऑप्शंस मेरे पास हमेशा अवेलेबल होते हैं. और मुझे कुकिंग भी, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मुझे कुकिंग भी पसंद है, तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ. आज मॉर्निंग में मैंने लौकी और दही के थेपले बनाए थे, दोज आर वेरी हेल्दी. और मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें मिलाई थी और सबको भी पसंद आया, मैंने भी वही खाया. उसके बाद मैं कोई भी मील नहीं ले पाई, फिर मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया, फिर मुझे और ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है. सो मैंने अपना कुछ एक दही वाला एक डेजर्ट रेडी किया है जो मैं आपको दिखाती हूँ. वो मैंने कर लिया है और मैं उसको थोड़ी देर फ्रीजर में सेट होने रखूँगी सो दैट वो और ज़्यादा चिल्ड हो जाए, एंड देन फिर आई एंजॉय दैट बिकॉज अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं पार्ट के लिए आजकल 5:30-6 ही बैठ जाती हूँ, सो दैट मैं बहुत टाइमली फ्री हो जाऊँ. अदरवाइज मैं अगर 7 बजे बैठती हूँ तो मैं 9:00 फ्री होती हूँ, 7:30 बैठती हूँ तो फिर वो ऐसे लेट हो जाता है. मैं 5:30 बैठती हूँ तो मैं बहुत टाइमली फ्री हो जाती हूँ, दिया बत्ती के टाइम मैं 7 में ही सारी पूजा वगैरह करके फिर फ्री होके मैं अपना सोशल मीडिया का पूरा वर्क करती हूँ और बाकी जो जो भी चीज़ें हैं. सो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना हेल्दी डेजर्ट. हियर्स माय डेजर्ट. इसे मैंने ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक एप्पल्स एंड ऑल, सो सिर्फ मैंने ये पोमेग्रेनेट एंड कीवी मिक्स किया है एंड विद हनी. बस ये आज मेरा सीड्स खाने का मन नहीं था, मैं सीड्स नहीं मिक्स किए हैं और ये बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी होता है. इसको मैं रखूँगी फ्रीजर में. सबने देखा इसको थोड़ी देर में, आज मेरे ना सीड्स खाने का मन नहीं था, मतलब उसमें जो नहीं तो फ्लैक्सीड्स, चिया सीड्स और ये पपाया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो भी आपको सीड्स पसंद है आप सब डाल सकते हैं, इवन ड्राई फ्रूट्स भी, बिकॉज ये मुझे बहुत क्विकली रेडी करना था तो मैंने फटाफट से किया. अदरवाइज आप बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे सीड्स वगैरह आप जितना इसको हेल्दी बनाना चाहें बना सकते हैं. और आप पीनट्स को भी रोस्ट करके रखिए, आप उनसे भी अपनी क्रेविंग्स बहुत दूर कर सकते हैं. और बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को जानना हो कि अगर आप लोगों को ऐसी अपने डाइट ड्यूरेशन में अगर प्रॉब्लम होती है और आप लोग क्या खा सकते हैं जब आपका इस तरह की क्रेविंग्स खाने का मन हो, तो मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ है. और नहीं तो मैं खुद बना के भेजूँगी, आप लोग एड्रेस दे देना. बिकॉज आई लव कुकिंग, और उससे भी ज़्यादा मुझे सबको खिलाना बड़ा, खिलाने में बड़ा मज़ा आता है. और आप ये भी कह सकते हैं मेरे खाना बनाए खाने को मैं सब पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ ताकि मैं फेवर हूँ. जोक सपा. सो यस, ये मफिन की बॉल है और ये पता नहीं क्या कर रहा है. मिठू रहने दे, ये मुझे कल भी लेना. कहाँ से काटी मिठू तूने ये? लेना नहीं, ये मफिन की है, तू खराब कर देगा.